5G का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुन लिया होगा, मतलब कि 5G फोन्स आ रहे हैं, कंपनीज 5G कंपेटिबल मोबाइल के चिपसेट्स बना रही हैं, 5G का मोडेम बना रही हैं, दुनिया की हर दूसरी कंट्री में 5G के फोन लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ तक कि ऑलरेडी US, UK, साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज में 5G ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन इंडिया के बारे में क्या? वेल, देखा जाए तो जल्दी 5G के स्पेक्ट्रम का लॉन्च होने वाला है, और लगता है कि 5G स्पेक्ट्रम के लॉन्च के बाद क्या आपको 5G मिल जाएगा, तो ऐसा होने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है, क्योंकि 5G को डिप्लॉय करने में इंडिया के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आने वाली है। पर आखिर ऐसा होने क्यों वाला है, तो आज हम इसी पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें करंट स्टेज की, तो इंडिया में तकरीबन 100 करोड़ एक्टिव मोबाइल यूजर्स हैं, यानी कि 100 करोड़ सिम कार्ड्स एक्टिव हैं, और उसके कंपैरिजन में जो नेटवर्क है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि इतने ज्यादा टावर नहीं है, उतना ज्यादा जो फाइबर का पेनिट्रेशन है वो नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा जो मोबाइल फोन के टावर है ना ही वो फाइबर नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले 2020 में शायद आपको 5G देखने को मिल जाए, लेकिन जो ट्रू 5G होगा ना, जो पूरे आपके इंडिया भर में देखने को मिले, तो वो चीज अभी नहीं होने वाली है। और देखा जाए तो जो 5G है ना, वो कमर्शियली अवेलेबल होने से अभी उसकी टेस्टिंग होने वाली है, और जो स्पेक्ट्रम की जिसकी सेल की जाएगी वो होगा 275 मेगाहर्ट्ज़ का। लेकिन उसके साथ बस प्रॉब्लम ये है कि अभी का जो टेलीकॉम नेटवर्क है ना, वो अभी करंट स्टैंडर्ड्स है ना जो 5G के, उसके कंपेटिबल नहीं है। यहां तक कि जो फाइबर की कनेक्टिविटी मोबाइल फोन के टावर से, वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब अगर 5G आ गया तो उसकी ना तो आपको इतनी ज्यादा रेंज देखने को मिलेगी, और ना ही उसमें इतनी ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। और अगर इंडिया में 5G को सक्सेसफुल बनाना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाने पड़ेंगे, स्मॉल सेल टावर्स लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा फाइबर नेटवर्क से पूरे इंडिया को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब कि पहले जब जियो का नया नया 4G आया था, तो वो काफी ज्यादा अच्छा चलता था, उसका नेटवर्क भी अच्छा था, और लोगों को स्पीड भी ज्यादा मिलती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जियो की सिम ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पहुंची, तो यूजर्स बढ़ गए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टावर था, जो फाइबर नेटवर्क था, वो वहीं का वहीं रहा। तो इसका एंड रिजल्ट यही हुआ कि आपको जो स्पीड है वो कम देखने को मिलने लगी, जो नेटवर्क कवरेज था ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ 5G के साथ भी होने वाला है। मतलब कि अगर हम बात करें इंडिया की स्पेशली, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इंडिया के पास नहीं है। अगर 5G आ भी जाता है ना, तो उसका भी आपको लो नेटवर्क कवरेज देखने को मिलेगा, और ऐसी स्पीड भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसका यूज करके आप लोगों को एग्जैक्टली मजा आ जाए। और जहां पे आपको 5G का नेटवर्क अच्छा, जहां स्पीड मिलेगी ना, तो ऐसे एरियाज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होने वाले हैं। तो अगर बात करें तो इंडिया को एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो इंडिया को 5G नेटवर्क डिप्लॉय करने के लिए 100 मिलियन फाइबर किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की जरूरत है, और इसके बाद ही एक अच्छा फाइबर नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा। और अगर हम करंट ग्रोथ रेट की बात करें, तो हर साल 25 मिलियन फाइबर किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स है ना, वो बिछाए जा रहे हैं। तो आने वाले कम से कम 4 साल के बाद आपको एक अच्छा फाइबर नेटवर्क देखने को मिलेगा। इसके साथ जो हमारी नेशनल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है, तो उनका एम ये है कि 60% जितने भी मोबाइल टावर्स है ना, उनको 2022 तक फाइबराइज कर दिया जाए। यानी कि 60% मोबाइल टावर जब फाइबर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो 5G के कंपेटिबल हो जाएंगे, और वो 5G स्पीड्स को सपोर्ट कर पाएंगे। इससे ही होगा कि 2022 में आपको ज्यादा अच्छा 5G का नेटवर्क और ज्यादा अच्छी स्पीड्स देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल फाइबर का नेटवर्क को इंप्लीमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाने हैं। और करेंटली बात करें ना, इंडिया के अंदर पूरे 5 लाख टावर्स हैं, जिसके अंदर जो 22% टावर है ना, वो फाइबराइज्ड है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में यही रेट है 80%, यानी कि वहां के 80% मोबाइल टावर्स जो है वो फाइबराइज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टावर्स को इंप्लीमेंट पहले से ही करना है, क्योंकि उसका जो नेटवर्क होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा को फाइबराइज्ड करना है। और इस चीज में इंडिया है वो लैग कर रहा है, लेकिन वहीं चाइना है ना, तो उसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑलरेडी 5G को रोल आउट कर दिया है। तो 5G के रोल आउट में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो है अभी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसके बाद बात करें तो ज्यादा से ज्यादा टावर लगाने के बाद जब इसका नेटवर्क अच्छा हो जाएगा ना, तो हर गली नुक्कड़ पे आपको फिर इंडिया के 5G का सिग्नल देखने को मिलेगा। और जब तक ये चीज नहीं हो जाती ना, तब तक हम 5G का अच्छे से यूज भी नहीं कर पाते। मतलब कि आने वाले समय में जब 5G आएगा, तो मुल्क मोबाइल फोन के साथ साथ लैपटॉप्स में भी 5G यूज करेंगे। उसके बाद जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले प्रोडक्ट्स होंगे, उसके अंदर भी 5G का यूज होगा। जो ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी, उसमें भी 5G
का यूज होने वाला है, लेकिन जब तक 5G का कवरेज अच्छा नहीं होगा ना, तब तक इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर हम इसके बाद अगर हम 5G को 4G नेटवर्क से कंपेयर करें, तो जो 4G है ना वो 1800 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम बैंड पे चलता है, जिसका मतलब ये है कि 5G के कंपैरिजन में इसका जो कवरेज है वो 60% ज्यादा होता है। तो अगर 5G को भी अगर 4G जैसा कवरेज चाहिए, तो उसको अब लगभग 60% से ज्यादा मोबाइल फोन के टावर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और तब जाके उसका सिमिलर पेनिट्रेशन हो पाएगा जैसा अभी की डेट में 4G का होता है। और करेंटली अगर इंडिया की बात करें तो जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये सब के सब इंडिया भर में फाइबर को डिप्लॉय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर्स को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि नेटवर्क को अच्छा किया जा सके और नेटवर्क को भी ज्यादा से ज्यादा हाई स्पीड के कैपेबल बनाया जा सके, ताकि जब आने वाले समय में 5G आए तो इनका जो नेटवर्क है ना वो 5G रेडी रहे। लेकिन अभी की स्टेट में बात करें तो अगर 5G अगर आने वाले टाइम में आ भी जाता है, तो उसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है कि आपको 5G का नेटवर्क देखने को मिले, और 5G का अगर नेटवर्क देखने को गलती से मिल भी गया तो भी इसके काफी कम चांसेस है कि उसमें आपको काफी ज्यादा हाई स्पीड देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से 4G के यूजर्स बढ़े, तो क्या पता आने वाले समय में 5G के यूजर्स भी उसी तरीके से बढ़े। और इस पूरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल मोबाइल टावर और जो बड़े मोबाइल टावर है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो फाइबर नेटवर्क है ना उसे पूरी इंडिया में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि उसी के दम पे पूरी इंडिया को और अच्छे तरीके से डिजिटाइज किया जा सकता है। बाकी आप लोगों क्या लगता है, कब तक आएगा इंडिया में 5G, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।